हेलो स्टूडेंट, मैं फिर से स्वागत करती हूँ आपका एलन गेट चैनल पे। मैं आज आपको क्लास 7 चैप्टर 5.8 का सम्स बताने वाली हूँ। मैं इस चैप्टर का कुछ सम्स पिछली वीडियो में डाल रखी हूँ और मैं फिर से बताती हूँ उसके बाद, ठीक है। तो 5 नंबर का मैं 4 नंबर तक बता चुकी थी, मैं आज 5 नंबर से बनने वाली हूँ। तो 5 नंबर हमारा था मार निर्णय करना था, ठीक है। तो हमको क्या करना था, मान लेने करना था। मैं इसका ये 4 सम्स बना चुकी हूँ, मैं 5 नंबर्स आज बनाने वाली। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 5 का क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन है 25 का पावर 2 इंटू 25 का पावर 5 बाई क्या है 25 5 का पावर 10, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हमारा दिया गया है, हमारा ये जो है हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 25 का पावर 2 इंटू 25 का पावर 5 है और 5 का पावर 10 है। तो हम क्या करते हैं, इसको मौलिक संख्या में विभाजित कर लेते हैं। चलिए कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 5 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 5 का पावर 5 बटे में क्या होगा, 5 का पावर 10, ठीक है। अब हम क्या बताए थे आपको कि जब यहाँ पे कोष्ट में 2 अंक होता है उसका पावर जब दिया रहता है तो ये दोनों का पावर होता है, दोनों अंक का ये पावर है। चलिए हम लिख लेते हैं 5 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 5 इंटू 5 का पावर 5 बाई 5 का पावर 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब हम इसको क्या करते हैं, एक लाइन में सजा लेते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 5 ए यहाँ पर हमारा 1 2 3 4 ऊपर में हमारा 5 का पावर 5 इंटू 5 का पावर 5 यहाँ पे हमारे ये सब क्या है, गुना में है, और 1 5 का पावर 10 खाली ये एक डिवाइड में है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब हमारा ये सूचक ऊपर जो संख्या होता है, जब हमारा गुणा में होता है तो सूचक क्या हो जाता है, वो प्लस हो जाता है, और जब हमारा डिवाइड में होता है तो वो माइनस हो जाता है। चलिए, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 5 का, यहाँ पे कितना है 2 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 5, ठीक है, 2 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 5, ठीक है। तो ये क्या है, 5 का पावर 2 प्लस में आ गया, 5 का पावर 2 ये भी प्लस में हो गया, 5 का पावर 5 ये भी प्लस में आ गया, और 5 का पावर 5 ये प्लस में, ये हमारा क्या है, गुना में था इसलिए ये प्लस में हो गया, ये एक जो है ये इसके डिवाइड में है इसलिए ये माइनस में आ गया। इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि तो ये 14 हो गया, तो 14 में से 10 गया, कितना आया, 14 में से 10 जाएगा तो कितना आएगा, तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बच गया, 5 का पावर 4, ठीक है। तो यही रह गया ना, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कितना आया, तो 5 का पावर 4। तो यहाँ पे मैं निकाल देती हूँ, 5 का पावर मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, तो 25 25 25 125 125 में 5 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 का 2 हासिल और 10 2 12 1 हासिल 5 1 6, तो कितना हो गया यहाँ पे 625, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए, तो फिर से मैं एक बार समझा देती हूँ। तो यहाँ पे क्या आया, ये हमारा जो 25 का ये पावर 5 और 25 का स्क्वायर था, इसको हम मौलिक संख्या में चेंज किया। जब मौलिक संख्या में चेंज किया तो ये कोष्ट में आ गया। कोष्ट में आने के जब हमारे जब भी कोई संख्या जो वर्ड्स जो हमारा कोष्ट में होता है उसका पावर जब रहता है तो ये दोनों का पावर होता है, इसलिए मैं यहाँ पर दोनों का पावर लिख करके उतार दी। फिर हम इसको एक लाइन में किए तो यहाँ पर हम देखें, यहाँ पे हम क्या देखें कि हमारी सारी ब्याज क्या था, वहाँ पे सेम था और गुना में था। तो गुना में होने के कारण हम क्या करेंगे, सारा जो सूचक है उसको जोड़ देंगे, जब डिवाइड में रहता है तो उससे उसको घटा देते हैं। हमारा एक ही जो 5 का पावर 10 था वो एक ही जो अंक था वो डिवाइड में था, तो इसलिए हम यहाँ पे 10 को घटा दिए। पहले हम उससे गुना में होने के कारण सब सूचक जुड़ गया और ये डिवाइड में होने के कारण ये माइनस में हो गया। तो जब इसको हम जोड़ें तो आपका 14 है, 14 में से 10 गया तो 4 आ गया, तो 5 का पावर 4 हो गया। तो जब हम इसका निकालें तो कितना आया, इसका आया आपका 625 आया। तो ये 625 हम यहाँ पे लिख लें, इसका ये आंसर है। चलिए 6 नंबर की तरफ चलते हैं। सिक्स नंबर का आपका क्वेश्चन है 2 का पावर 3
टू क्यू इंटू थ्री का पावर 9, ठीक है। फिर क्या है, 3 का पावर 6 इंटू 6 का पावर 3 यानी 6 क्यू। तो हम क्या देख रहे हैं कि 2, 3 और 3 ये क्या है, ये मौलिक संख्या है, लेकिन जो ये 6 है वो मौलिक संख्या नहीं है, तो हम इसको मौलिक संख्या में चेंज कर लेते हैं। इक्वल टू क्या है, 2 का ये हम सेम उतार दे रहे हैं, 3 का पावर 6 इंटू ये 6 है, तो मतलब 3 इंटू 2 का पावर क्या है, 3, ठीक है। अब इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये सेम उतर गया इंटू, हम आपको बताए थे कि जब ये कोष्ट में होता है, दो अंक जब कोष्ट में इंटू में है, तो यहाँ पे जब ये पावर हमारा है तो ये दोनों का पावर है, तो चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 3। अब हम इसको एक लाइन में लिख लेते हैं, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 2q जो है वो इस 3q के डिवाइड में है, ठीक है। ये ऊपर वाला 3, यहाँ पे जो 2 का पावर 3 है, ये 2 का पावर 3 जो है इसके डिवाइड में, मतलब ये क्या हो जाएगा, इसका ये हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो हमारे ये सूचक है हम इसको घटा देंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 2, 3 माइनस 3 और इंटू, यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, 1, 3, 9 है, लेकिन नीचे क्या है, ये 3, 9 ऊपर है और ये इसके नीचे है, मतलब ये डिवाइड में है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसके हम अब हम इसको भी सब्ट्रैक्ट कर लेंगे सूचक को, तो 3, 9 प्लस, ये 9 जो है प्लस में है और ये -6 -3, ये भी दोनों हो गया इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 3 में से 3 गए, यानी 0 इसका पावर होगा। हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये जो है 3 का पावर 9 -6 -3, तो ये जो है 9 वो प्लस में है, लेकिन ये -6 और ये -3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, लेकिन ये -9 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस, यहाँ -9, तो ये -9 ये +9, माइनस प्लस माइनस हो गया, तो ये भी 3 का यहाँ पर भी पावर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ये माइनस में था ये प्लस में था, माइनस माइनस प्लस माइनस में था ये प्लस में था, तो माइनस प्लस माइनस हो गया और ये 9 में से 9 गया, 0 हो गया, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, एक में से एक का गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है, यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सेवन नंबर आपका क्वेश्चन है, ए का पावर 7 बाई ए का पावर 5, ये ए है, सॉरी मैं 9 लग रहा है, ए का पावर 5 और इसका क्या है, इंटू ए का स्क्वायर है, ठीक है। और एको नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, ए का पावर 7 बाई ए का पावर 5 इंटू ए स्क्वायर है, ठीक है। और नीचे एक दिया गया है कोष्ट में, ए नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आना चाहिए, ए इक्वल टू 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है, यही यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, हमको क्या दिख रहा है यहाँ पर, हमको दिख रहा है कि ए का पावर 7 डिवाइडेड बाई ए का पावर 5, ठीक है। तो जब ये डिवाइड में है तो सूचक हमारा क्या हो जाएगा, हमारा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और एक ये ए जो है ये हमारा क्या है, गुना में है, तो मतलब क्या, ये डिवाइड में है, ये इनटू में है, तो मतलब 7 माइनस 5 प्लस 2, कैसे, क्योंकि ये डिवाइड में है और एक हमारा ये ए स्क्वायर क्या है, गुना में है, ठीक है। तो हम चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, हम आपको बताए हैं कि जब भी हमारा ये गुना में होता है तो सूचक हमारा प्लस हो जाता है, और जब हमारा ब्याज डिवाइड में होता है तो हमारा सूचक माइनस हो जाता है, ये आपको याद रखना है। तो इक्वल टू ए 7 माइनस 5 प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 में से 5 गया, क्या हो गया, 2, और 2 प्लस 2 यानी ए का पावर 4, ये हमारा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एट नंबर आपका क्वेश्चन है, 3 इंटू
सेवन स्क्वायर इंटू फोर, फोर का पावर फोर बाई 21 इंटू 1 12 मतलब 112। एट नंबर क्वेश्चन है आपका कि 3 इंटू 7 स्क्वायर इंटू 4 का पावर 2 का पावर 4 21 गुने 112। ठीक है, तो हमको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 372 का हमारा मौलिक संख्या है, लेकिन हमारा इसका कोई मौलिक संख्या नहीं, तो हम क्या करते हैं इसको पहले हम मौलिक संख्या में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं। थ्री इंटू सेवन स्क्वायर इंटू टू का पावर फोर और नीचे क्या हो जाएगा, ये क्या है 21, मतलब 3 इंटू 7 इंटू 112 का निकाल लेते हैं हम दो बार, तो दो के पारा चले जा रहे तो कितना हो जाएगा 5 दूनी का 10, एक हासिल मतलब उधर हो गया 12, मतलब 2 6 12, और फिर 2 से ले जा रहे तो 2 दूनी का 4 और ये 16 हो गया मतलब 8, अब ये 2 1 और ये 4 और फिर से 2 तो हो गया 7। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है 2 × 2 × 2 × 2 × 7। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 का पावर 4 इंटू 7। ठीक, क्योंकि यहाँ पे कितना है 1 2 3 4, तो यहाँ पे 2 का कितना पावर है, यहाँ पे हम 2 का 4 बार गुना किए मतलब यहाँ पे पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया 2 का पावर 4 इंटू 7। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिखते हैं तो कितना ये 21 का हो गया 3 × 7 और इसका क्या हो गया 2 का पावर 4 इंटू 7। ठीक है, इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे मैं एक और लाइन कर लेती हूँ कि आपको सुविधा हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर ऊपर सेम वही चीज़ उतार देंगे 7 का स्क्वायर इंटू 2 का पावर 4, लेकिन हम नीचे देख रहे हैं कि 3 इंटू 7 इंटू 2 का पावर 4 इंटू 7। ठीक है, तो यहाँ पे कितना 7 इंटू में है 2, मतलब यहाँ पे क्या है ये और ये हमारा क्या हो जाएगा 7 स्क्वायर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3 इंटू 2 का पावर 4 इंटू ये 7 7 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो यह 7 स्क्वायर हो गया, इक्वल टू ये नहीं भी करते तो चलता क्योंकि आपको समझ में आ जाता, लेकिन मैं आपको सुविधा के लिए यहाँ पे एक और लाइन बढ़ा दी हूँ। ठीक है, तो ये हो गया, तो यहाँ पे 7 × 7 तो इसका भी स्क्वायर हो गया, मतलब 7 × 7 7 स्क्वायर इक्वल टू क्या था 7 × 7 यही होता है ना, तो इसलिए 7 स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमको दिख रहा है, ठीक है, क्या दिख रहा है कि ये 7 स्क्वायर, एक 7 स्क्वायर क्या है हमारा ऊपर, एक 7 स्क्वायर नीचे है। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया ये इसके डिवाइड में हो गया, यहाँ भी एक 3 ऊपर है एक नीचे है, मतलब इसके डिवाइड में, और 2 का पावर 4 एक ऊपर है एक 2 का पावर 4 नीचे है, मतलब ये भी इसके डिवाइड में, ये पावर 4 है। ठीक, तो यहाँ पर लेकिन 3 का हमारा कोई पावर नहीं दिया गया है और यहाँ भी हमारे 3 का कोई पावर नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इस दोनों की जगह पर हम 1 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं 3, तो यहाँ पे 3 का पावर नहीं दिया गया, तो यहाँ पे हम 3 का पावर 1 ले रहे हैं। ठीक है, तो 3 का पावर 1 एक ऊपर हो गया एक नीचे हो गया, मतलब ये डिवाइड में है, तो 1 − 1 इंटू यहाँ पर क्या है ऊपर एक 7 है, क्या है यहाँ पे ये क्या है किसके डिवाइड में, मतलब यहाँ भी 2 − 2 इंटू ये भी इसके डिवाइड में है, मतलब 2 − 4 − 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 का ये 1 में से 1 गया 0 इंटू 7, 2 में से 2 गया 0 इंटू 2, 4 में से 4 गया 0। तो हमें आपको बताई थी कि किसी भी सूचक, किसी भी ब्याज का सूचक अगर जो 0 हो तो इक्वल टू 1 होता है, तो मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 × 1 × 1 इक्वल टू 1 से 1 का गुना करेंगे तो 1 ही होगा, यही आपका आंसर है। ठीक है, आई होप सो कि आपको सारे समझ में आ गया हो, और नहीं आया होगा तो आप मुझे कॉमेंट कीजिएगा। ठीक है, और मैं सोशल साइट पर भी हूँ, मैं वहाँ पर लिंक दे रखी हूँ अपने वीडियो में, आप वहाँ से भी मुझे आप फॉलो कर सकते हो, और जो आपको कहीं प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉमेंट कीजिएगा, मैं आपको फिर से सारे समझ बताने की कोशिश करूँगी। और अगर मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।